गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. गुड आफ्टरनून. हेलो. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन है ऑन लाइफ इंश्योरेंस. सो मैं ही सब बताऊं, उससे अच्छा क्यों ना हम सब आज डिस्कस करें कि लाइफ इंश्योरेंस आखिर होता क्या है. एनीबॉडी हु वांट्स टू गिव इट अ शॉट, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? LIC. LIC, ओके. एनीबॉडी एल्स? ओके. सो LIC एक कंपनी है जो हमें लाइफ इंश्योरेंस देती है. पर आखिर लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? लाइफ इंश्योरेंस होता है हमारे फाइनेंशियल जीवन की सुरक्षा का एक माध्यम है. हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं कि यदि हमारी मृत्यु के बाद हमारा फैमिली, हमारे बच्चे सुखमय तरीके से अपना जीवन बिता सके, उसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं. तो हमें कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अभी कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके लिए तीन चीजों का ध्यान रखें. सबसे पहले, यदि आपके ऊपर कोई भी लोन है, कोई भी लायबिलिटी है, तो सबसे पहले वो रकम उसमें जोड़ें. दूसरी चीज, आपके जो भी रूटीन खर्चे हैं, जो आपका घर खर्च और अपनी स्कूल की फीस बच्चों की, वो सब के लिए चाहिए, वो उसमें जोड़ें. और तीसरी चीज, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे आगे जाके बच्चों की शादी करनी है या फिर कोई और दूसरा इम्पोर्टेंट खर्चा आने वाला है फ्यूचर में, तो वो सब खर्चों को ऐड करें और वो जो आपको रकम मिलेगी, उतना आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए. वो जी, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? मेरी वाइफ हाउसवाइफ है, इसका फ्यूचर निकालना है. ये आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा. अभी हाउसवाइफ जो है, क्या वो कोई इनकम कमाती है? क्या हम उसकी इनकम पे कोई भी डिपेंडेंट है? हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उसकी इनकम पे कोई और फैमिली मेंबर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उसका लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है. उसी तरह से बच्चे हैं, आज वो इनकम कमाते हैं कोई भी जरिए से, लेकिन क्या हम उनकी इनकम पे डिपेंडेंट है? नहीं ना, इसलिए हमें उनके लिए भी लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है. राइट? सो अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, तो लाइफ इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने परिवार को हमारे जाने के बाद फाइनेंशियली सिक्योर रखें, इंश्योर करें कि हम रहे या ना रहे, उनका जीवन सरल तरीके से बीतना चाहिए. इसलिए सबसे पहले, जैसे आप इनकम कमाना चालू करें और आपकी फैमिली उस इनकम पे डिपेंडेंट हो, तुरंत लाइफ इंश्योरेंस लें. यदि आप पूरी रकम ना ले पाए, जैसा कि मैंने समझाया रकम, थोड़ी थोड़ी रकम स्लोली स्लोली लेते जाएं और अपना लाइफ इंश्योरेंस रखें. दूसरी बात, इसके बारे में अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म रखें कि हाँ, मैंने ये लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, यदि मैं ना रहूं तो इसके बारे में उनको पता रहना चाहिए. और तीसरी सबसे जरूरत की बात जो है, लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह ना समझे. ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे से अलग है. लाइफ इंश्योरेंस हम सिर्फ अपने फाइनेंशियल जीवन की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, और उस टाइप ऑफ इंश्योरेंस को हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं या प्योर पॉलिसी इंश्योरेंस कहते हैं. इसमें क्या होता है कि हमें कम प्रीमियम में ज्यादा इंश्योरेंस मिलता है, जिसकी हमें एक्चुअली जरूरत है. राइट? हमें ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह जहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं या फिर गारंटीड बेनिफिट्स बता रहे हैं, हमें उन चीजों की जरूरत ही नहीं है. हमें जरूरत है कि हमारे फाइनेंशियल जीवन प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं. राइट? तो हमेशा लाइफ इंश्योरेंस ले तो प्योर टर्म पॉलिसी ले, और यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्योर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ही पैसे डालें. सो लेट अस वंस अगेन रिवाइज, लाइफ इंश्योरेंस किसका लेना चाहिए? राइट. लाइफ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? जितना हो सके उतना जल्दी लेना. राइट. और क्या लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट होता है? नहीं. इसलिए हमें हमेशा प्योर टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए
तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप हमें आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर moneygupshup@gauravmashruwala.com पे भी ईमेल कर सकते हैं।